तो भाई पार्ट टू के लिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। एक फुलसरो का पेयर लास्ट टाइम रह गया था, तो मैंने कहा पहले पेयर दिखा दो फिर सिंगल दिखाऊंगा। तो ये भाई लेवल पे हैं, अच्छे लेवल पे कबूतर हैं ये। और ये देख लो मादिन, तो पहले मादिन का ही शौक करा देते हैं। ये देखो भाई मादिन बहुत ही अच्छे चेहरे मोरे में, आँखें भी बहुत ही क्वालिटी वाली ले रही है, बहुत बढ़िया। तो भाई से पूछ लेते हैं कि भाई क्या रिजल्ट है इनका, पंजे दिखा दो आप, रिजल्ट बताते रहो। रिजल्ट अच्छा है भाई इनों का भी। देखो भाई अभी तक तो सारे कबूतर ठीक ठाक नज़र आए हैं, और उनके बच्चे भी हम देखने में समझ ही लेते हैं यार कि अच्छे हैं बुरे हैं, आते हैं नर पे। तो भाई ये देख लो वो कल मतलब फुलसरा ही कह लो, ये देखो क्या बड़ी बड़ी पलके हैं। तो भाई यहाँ पे मिलता कुछ नहीं है सेल परचेज़ के लिए, भाई ना ही फ़ोन करें ना ही मैसेज करें, सिर्फ शौक के लिए देख लो। ये देख लो भाई का एड्रेस है दल्लूपुरा, मिलना है और शौक देखना तो छत पे आ सकते हो, बात कर सकते हो। ये देख लो, और ये सामने से चलो पंजों का शौक कराता हूँ। ये देखो सबके नाखून लंबे लंबे हैं भाई, सबके नाखून। एक बार सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, और चलते हैं सामने वाले लॉफ्ट में जहाँ पर सिंगल कबूतर रखे हुए, इनके बच्चे रखे हुए। तो एक और पेयर आ गया भाई, जिसमें आप देख सकते हो फुलसरी मादिन और पत्तेदार नर है। नर जो है वो टेपर चेहरे में, बहुत ही खोखार चेहरा भाई, नीचे की तरफ डाउन फेस कह सकते हो उसे आप। तो दिखाते हैं नर आपको पहले। तो भाई सामने से शौक करो उसका डाउन फेस, चपटी खोपड़ी का, पलके भी बहुत अच्छी हैं, और बदन देखो आप बिल्कुल एक जैसा बदन है, छाट छाट के कबूतर रखे हैं भाई। चलो आँखों का शौक कराते हैं। तो भाई ये देखना चालू करते हैं माँ के, और चेहरा भी बहुत खोखार है इसका। तो भाई ज़रूर बताना भाई का शौक कैसा लगा। ये देख लो एक जोड़ा और निकाल के लिया है भाई आपके लिए, सामने से इसके पंजे दिखाना भाई। ये देखो पंजे, नाखून चांदनुमा। चलो मादिन का शौक करते हैं। तो भाई ये देख लो उस पेयर की मादिन, तो भाई ये फुलसरा ही है और वो कलदुमा सा, मतलब फुलसरों में सही है वो, वही फुलसरों में से। तो रिजल्ट में बच्चे ऐसे निकलते हैं ओके एकदम। चलो ये देख लो भाई आके इसकी लाजवाब फेस कट, बदन भी वही सेम बदन है, एक भी आउट नहीं जा रहा है, एक जैसा बदन है भाई बिल्कुल। और ये देख लो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर पूंछ तक, पंजे दिखा दो भाई इसके। ये देख लो जी इसके पंजे, वही आते हैं नेक्स्ट पेयर। तो भाई एक पेयर और देख लो, सिंगल में पेयर भी आ गया, मतलब यहाँ पे एक पेयर भी था तो पेयर की सूट कर लेते हैं। ये फुलसरी मादिन है और एक ही खानदान है, एक ही ब्लड लाइन है, आँखें बहुत खूबसूरत है, नर से स्टार्ट करते हैं। लो जी सारा खानदान एक जैसा, इसकी गाधली आँखें हैं जो आजकल लोग आके ढूंढ रहे हैं वो आके, और उड़ान तो एक नंबर की है भाई। इसमें एक ही खानदान चलता आ रहा फुलसरे कल्चरों का। तो भाई ये देख लो वो आके, बस आ गए आके, एक बार बस हो गया काम। तो भाई अब आते हैं इसके पंजों पे। पंजे भाई रिंग अपने नाम की है, ये रिंग नहीं किसी भाई के नाम की। अच्छा तो ये देख लो भाई मादिन दिखाते हैं इसके आपको। तो ये देखो भाई मेरे को भाई की छत पर एक बहुत ही अच्छा कबूतर लगा है, दिखाऊंगा आपको। और ये आँखें देख लो सेम आँखें उस नर जैसी, और बहुत ही पेयर जो है ना बहुत ही तरीके से लगाते हैं, भाई को बहुत नॉलेज है। तो इसी के साथ पूछ लेते हैं भाई क्या देखना चाहिए पेयर लगाते वक्त, कालू भाई एक बार बताना। भाई देखो कबूतरों में पेयर लगाते वक्त सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर है, एक नरम और एक सख्त, ये होना बहुत ज़रूरी है। और एक कबूतर का मिजाज ठंडा और गर्म, वो कैसे पता चलेगा ठंडा गर्म? कबूतर आपको खुद ही हाथ में आके बताएगा, वो लड़फड़ाएगा, लड़फड़ाएगा थोड़ा, चोंच मुंह फाड़ेगा, भागेगा इधर उधर, वो गर्म होगा, वो गर्म कबूतर होता है। जो शांत बैठेगा वो ना, शांत बैठा रहेगा, हल्की आँख रहेगा, वो कबूतर बड़ा मिजाजी। चलो जी इसके पंजे दिखा दो, ये देख लो जी पंजे, नाखून देखो आप भाई साहब, ये एक एक नाखून देखो आप, बढ़िया भाई बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट पे भाई, ये देख लो कबूतर खैरा नफ्ता कबूतर काला, जल्दी आ जाओ, बहुत ही अच्छी आँखें हैं भाई इसकी, और दौरे देख रहे हो बिल्कुल गुलाबी है, अब पड़ा हुआ तो हल्की होती होती चली जाती है, ये इसकी आँखें भाई वाह। ये सपोर्ट कर देता हूँ, ये देखो दिखाते हैं इसके पंजे, ये सामने से बॉडी स्ट्रक्चर तोते टाइप का चेहरा इसका, पंजे दिखा दो भाई इसके, ये है इसके पंजे जी, पंजे देख लो आप लाजवाब। आते हैं नेक्स्ट पे भाई, पीछे जो हमने जोड़े देखे थे उनके बच्चों का शौक कर रहे हो आप, ये देख लो जैसा भाई ने बताया था पिछले पार्ट में कि भाई कल्चरों के बच्चे कल्चर ही बनते हैं, तो ये उसका रिजल्ट है आपके सामने।
स्टार्ट कर दिया है, वो किसी वजह से हम रुक गए थे। ये देख लो आँख है और ये पलके और ये चेहरा मोरा, भाकड़े जो है इसके बहुत बड़े हो गए हैं, पलके बहुत बड़ी हुई हैं। और भाई कह रहे हैं केवल 5 साल और आगे चलते हैं इसके पास। वही वाह, तो कालू भाई कराए इनके बच्चे आपने? यार तो खुद भी उड़ा हुआ है जी। अच्छा उड़ा हुआ है, क्या टाइम रहा इसके पर्चे पे, कोई पर्चा वर्चा? ये उड़ा हुआ है 7-8 घंटे। वही चलो नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। लो जी खैरा कबूतर देख लो, और खैरे ही बने और खैरे ही बहुत अच्छे उड़े इनके। तो आँखों में आप पानी देख सकते हो, चमकीली आँखें, पहचान होती है अच्छे कबूतर की। खैरा भी बड़ी पलकों में, मोटे नेक चेहरे में, ये देख लो सामने से वी शेप, आगे बहुत खूबसूरत पंजे देखते हैं इसके। और आँखें जो है ना एंटिक है, मतलब डार्क जो जिसे आजकल लोग ढूंढ रहे हैं। तो और एक बार आपको करीब से दिखाता हूँ इसको। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा शौक हो रहा भाई, आप स्किप नहीं कर सकते, ऐसा शौक हो रहा है। पंजे दिखा दो इसको, इसके पंजे। और ये देख लो भाई, लंबे चेहरे में गहरी लाल सुराख आँखें, और उड़ान में पूछ के थक गया हूँ, लेकिन आपको एक ही जवाब मिल रहा है कि सारे बच्चे अच्छे उड़ते हैं। तो ये वो कबूतर है जो बहुत ही खूबसूरत है, और भाई बहुत ही अच्छी खोपड़ी का पट खोपड़ी, लंबा चेहरा, सामने वी शेप, और आप इसके पंजों का शौक कर लो, ये इसके पंजे। तो आते हैं नेक्स्ट पे, ये देख लो भाई फुलसरों में, ये फुलसरा तो एक आधी बाल ले रहा है, लेकिन इसके बच्चे 20 पर है काले। आँखें देखो आप, वाह लाजवाब, ये इसका पूरा फेस कट। ठीक है जी, दिखाते हैं इसके पंजे आपको, ये देखो जी इसके पंजे। और भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार और इसकी आँखें दिखा दें। अभी भाई दिखाओ आँखें, बहुत अच्छी है इसकी, मतलब कम मिलती हैं ऐसी आँखें देखने को। ये देखो जी चेहरा मोरा इसकी आँखें, ये देखो अब आगे लाइट ग्रीन लाइट। और भाई बच्चे जो बनाता है ये कलपरे बनाता है 200 हदे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या कबूतर है, बाहर से आया घर पे भाई के, अब ये इसको जोड़े में डालेंगे, और जब नेक्स्ट टाइम मैं कभी इनके पास आया तो इसका रिजल्ट जरूर पूछूंगा। ग्रीन आइज, जो ग्रीन लेयर है इसकी ग्रीन है। तो बताना आपको कैसा भाई ने परचेस किया या घर पे लाए, परचेस तो नहीं करते लेकिन लोगों से मिल जाते हैं आपस में, यारी दोस्ती में बहुत दिए हुए हैं। और भाई ये देख लो, एक हरा कबूतर एंटिक आइज में, कलकत्ता ही जिसे बोलते हैं आजकल लोग, दीवाने हुए बड़े नाखों के। आपको देखो भाई, और मैं अमित भाई का फिर से धन्यवाद करूँगा, फिर से थैंक यू करूँगा कि आप तक इस शौक को पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये देख लो भाई, वाह क्या ही आँख है यार, समंदर एक, ऐसा लग रहा है जैसे बदरपुर भर दिया हो। चलो भाई पंजे देखते हैं इसके, और ये इसके पंजे अब दिखाएंगे। देख लो भाई कलंक का, आपने देखा होगा चेन्नई मद्रास में कलंक के बोले जाते हैं मकोयों को, एक मकोया ये देख लो, ये भी कलंक का है भाई, ये भी वहीं से आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें उड़ान कूट कूट के भरी होगी। और भाई अभी भाई ने बच्चे नहीं लिए इसके, और आने वाले टाइम में ज़रूर लेंगे। तो फिर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब कभी मैं यहाँ आऊँगा इन दोनों कबूतरों के बारे में ज़रूर पूछूँगा कि क्या रिजल्ट रहा। पंजे देखो, पंजे से पता चलेगा इसकी कबूतर की क्वालिटी। ये देखो भाई बिल्कुल ब्लू, जैसे बैंगनी पंजे कहते हैं, ब्लैक हो गए हैं। ठीक है जी, दिखाता हूँ मैं आपको दूसरा भाई। इस लॉफ्ट में एक पीला कबूतर है, उस पीले कबूतर का शौक कीजिए आप, आँखें देखिए क्या कबूतर है भाई, चेहरा भी ज़बरदस्त और पूरा बदन, ये देखो गर्दन बिल्कुल पीली। तो भाई पीला एक ही देखने को मिला आपके घर में, ये लाए हैं या ये आया हुआ है अभी किसी के जोड़ों के लिए? हाँ, जोड़ों के लिए, ठीक होने आया था, बीमार था। अच्छा आपने ठीक किया। हाँ मैंने ठीक कर दिया। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई इस बीच में एक आपको पंजाबी दिखाता हूँ, लाल तांबड़ा कबूतर है और बहुत ही खूबसूरत कबूतर है, इसकी हर चीज़ का शौक कराऊंगा। ये देखो भाई वाह, तो हम कालू भाई से पूछेंगे भाई ये अपने लॉफ्ट में किस लिए? ये लेकर क्या आया था भाई, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। आपने यहाँ कहीं उड़ते हुए देखा है? हाँ उड़ते हुए देखा है। क्या रिजल्ट रहा है वहाँ पर? इनों का 10 घंटे का एवरेज रही है। पंजे भी पर तो हम पल्ला खोलो पूरा दिखाएंगे भाई, पल्ला ये देखो, पल्ला साफ सुथरा पल्ला भाई, और आपको दिखाने वाले हैं इसके पंजे। और भाई जब अमित भाई यहाँ तक लाए हैं तो ये देखो भाई, से बोलते हैं जूते वाले, पाँव मोज बोलते हैं, नली भरा बोलते हैं। देख लो भाई पंजे देखो आप, क्वालिटी मतलब पंजे एक से बढ़कर एक एक कबूतरों में। और अब इसे देख, खुद देख के लाए हो आप। हाँ जी। तो भाई अफसोस हो रहा होगा सभी भाइयों को कि भाई जिस भाई ने कबूतर रखे हैं उसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं कभी ना कभी आपको फिर बता देता हूँ। शुरू में इनकी बॉडी लुक आ गई है, आप वैसे पहचान लेना यार।
नर है नहीं, ठीक है नेक्स्ट। तो एक और पंजाबी देख लो भाई, सेम है, एक ही जोड़ के, एक ही बच्चे, एक ही भाई, ये भी वही आंखें, वही छोटा सा चेहरा, वाह भाई वाह। तो ये भाई रिजल्ट के साथ यहाँ आए, इन्होंने देखा उसका पल्ला खोलना भाई जरा, परन कबूतर है ये देखो भाई पल्ला, वाह लाजवाब। चलो भाई दूसरा काम हमारा है इसके पंजे देखने का, चलो छोड़ दिया फिलहाल, आप इसकी बैठक देख सकते हो, मैं दूर से दिखा देता हूँ, ये देखो। बताना भाई कैसा लगा आपको ये कबूतर, मैंने जो काला देखा था उसको दोबारा दिखाने की रिक्वेस्ट करी है, तो भाई काला कबूतर आप दोबारा देख लो, इसकी माँ दिखाऊंगा, माँ या इसकी पत्नी, पत्नी पत्नी फीमेल भाई, इसकी फीमेल दिखाऊंगा, बहुत ही लाजवाब है, लेकिन हल्की सी आड़ी थी तो मैंने शौक नहीं कराया, लेकिन अब जरूर कराऊंगा इस कबूतर को देखने के बाद, उसको देखने की इच्छा जाग गई है। ये देख लो इसकी आँखें और ये पूरा बदन है, छोड़ दो भाई से यहीं बिठा दो, ये देख लो भाई तोतेदार चेहरा, इस पर इसका रंग सुनहरा, ठीक है जी। चलते हैं मादिन के खेमे में, मादिन दिखाते हैं इनकी। तो भाई मादिन के लॉफ्ट में आ गए, शुरुआत हो गई एक फुलसरी मादिन से, यहाँ के देख लो आपकी कितनी खूबसूरत है यार, मतलब आंखें तो लाजवाब, तो उड़ान तो इनमें कूट कूट के भरी हुई है भाई, ठीक है जी। अब पंजाबियों का दौर चल रहा है, लोगों ने पंजाबी छत पे रखे हैं, लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो अपने मद्रासी नहीं हटा रहे हैं। ये सामने से फ्रंट है इसका, ये देख लो जी सामने से फ्रंट, और इसके पंजे देखते हैं, ये देखो चलो जी आते हैं नेक्स्ट फीमेल। लो जी एक हमने जो शुरू के पार्ट में देवंदी कलसरा देखा था ना, उसकी बेटी, तो आप हिसाब लगा लो कि क्या ही कबूतरी है, चेहरा देखो आप इसका कितना खूंखार है, आंखें वही सिंदूरी नारंगी सी आंखें, देख लो भाई फेस कट सामने से बिल्कुल पतला सा फेस कट, वी शेप में मादिन है, आँखें बाहर आ रखी है, पंजे दिखाना भाई इसको मोड़ के, देख लो भाई बिल्कुल नीले काले पंजे, और भाई के नाम की रिंग डली हुई है, ये देख लो। तो आते हैं नेक्स्ट मादिन पे, भाई इसी कड़ी में आपने एक पीला नर देखा था, उसके लिए फीमेल है ये ग्रीन आइज में, और ये भी येल्लो है भाई, और चेहरा देखो कितना खूबसूरत है इसका, आँखें भी तो ग्रीन है बना रही है, और पूरा बदन देख लो भाई, अभी शायद पट्टी है भाई, है टाइम लगेगा, तो नर इन्होंने ठीक कर लिया दवा पानी करके, और भाई ये पट्टी तैयार कर लिया उसके लिए, तो आने वाले टाइम में आपको पीले भी देखने को मिलेंगे। छत पे इसके पंजे दिखा दो भाई, ये देखो भाई इसके पंजे बहुत ही अच्छे पंजे मोरेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट मादिन पे, एक मैं आपको हरी दिखाऊंगा बहुत ही अच्छी, ये देख लो भाई हरी मादिन गहरी आँखों में। तो ये वो सारे बच्चे आपको दिखा रहा हूँ जिनको आप पहले देख चुके हैं जोड़ों में, ये देखो वो खरों का जोड़ देखा था उनमें से ये मादिन है, ये देखो भाई पल्ला पतले तलवार नुमा पल्ला जिसका पर है, पंजे दिखाना भाई इसके, ये देखो पंजे की क्वालिटी देखो भाई साहब आप, ये देखो हाँ लंबे, मतलब भाई ने उड़ाना है कि इनसे खेती करवानी है, इतने बड़े बड़े नाखून है, तो इसे देख लो भाई पंजों की भी क्वालिटी होती है, जिससे पता चलता है कि कबूतर क्या अहमियत रखता है, ये देखो भाई वाह। तो आते हैं नेक्स्ट मादिन पे, और भाई इसी के साथ भाई सभी से इजाज़त लेंगे, और भाई ये देख लो ऑलमोस्ट सारे, ठीक है जी, और फिर मिलेंगे आपसे नए पार्ट में, नए छत पे, नए लॉट में, नई जगह, एक अच्छे खिलाड़ी के पास, एक राजस्थानी टोंग के इसमें देसी कबूतरी, ठीक है जी, ये देख लो। तो भाई सभी को जय हिंद जय भारत, और भाई सभी प्यार से शौक करें, शक प्यार में रहें, और मेरे चैनल पर आएँ, और भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बताएं कि आपको कालू भाई का शौक कैसा लगा। तो जय हिंद जय भारत जय माता।